Per unit length. हमने एक टर्म थी, in the उसको हम लोग कहते थे मैंने कहा आपको पता है कि जो भारत के अंदर एक लाख अट्ठाईस हजार के आसपास इतना किलोमीटर रेल लेंथ है लेकिन जब हम एक पटरी को तोड़ते हैं तो पटरी एक्चुअली में अलग अलग साइज में सिर्फ इतने इतने साइज में मेरे पास होती है और उनको ज्वाइंट किया जाता है भाई अलग अलग पटरी को ज्वाइंट किया जाता है और उनको ज्वाइंट करने के बाद बेसिकली बहुत लंबी रेलवे लाइन रेलवे ट्रैक बिछाई जाती है तो ये जो एक रेल लेंथ है ना एक पटरी की जो लेंथ है बेसिकली एक पटरी की लेंथ इस लेंथ के अंदर कितने स्लीपर आते हैं इस लेंथ के अंदर कितने स्लीपर आते हैं वो स्लीपर डेंसिटी है आप मेरी बात को समझे पर यूनिट रेल लेंथ का मतलब है एक रेल लेंथ एक रेल लेंथ में कितने स्लीपर आ रहे हैं वो एक्चुअली स्लीपर डेंसिटी है अब स्लीपर डेंसिटी को डिटेल में देखते हैं सबसे पहले तो मेरे पास ये दिमाग में जाएगा ही जाएगा मैं नोट करके ये बात लिख सकता हूं द फंक्शन ऑफ व्हाट आपका जो स्लीपर डेंसिटी है कि किसका फंक्शन है इट इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिंग ऑफ द स्लीपर इट इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिंग ऑफ द स्लीपर कॉमन सेंस की बात है देखो कि आपको भी पता है जितना ज्यादा हम स्पेसिंग रखेंगे उतने कम स्लीपर होंगे और जितना कम स्पेसिंग रखेंगे उतने ज्यादा स्लीपर होंगे तो आप मेरी बात को समझो अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिंग रखते हो पहली बात तो बहुत कम स्पेसिंग रखते हो तो क्या होता है अगर मैं स्पेसिंग ऑफ द स्लीपर्स को बहुत कम करता हूं वेरी, वेरी 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 लेस तो डेफिनेटली एक फैक्टर तो दिमाग में आएगा एन इकोनॉमिकल इतने स्लीपर्स का करोगे क्या लगा के कॉमन सेंस की बात है ना दैट तो <laughs> कि जितना कम स्पेसिंग होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्लीपर होंगे भाई उतने ज्यादा आप लोगों के स्लीपर लगेंगे ही लगेंगे इसमें तो डाउट नहीं है और जितने स्लीपर होंगे उतने फास्टनर्स भी लगेंगे अब जितने फास्टनर्स होंगे एक्चुअली में उतनी प्लेट्स भी लगेंगी बिल्कुल लगेंगी तो ये सारा मेटीरियल एक्स्ट्रा ही तो है ये सारा मेटीरियल एक्स्ट्रा लग रहा है टू बी अनकोनॉमिकल फॉर माई प्रोजेक्ट ऑब्वियसली नाउ वट वी नीड टू डू अब दूसरा केस आता है वो बहुत ज्यादा हो गई इफ स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज वेरी 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 लार्ज अगर आपके स्लीपर की स्पेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो गई देन वट वील यू डू एक रेल है उस रेल में आप लोगों ने एक स्लीपर लगाया और बहुत दूरी पर दूसरा स्लीपर लगा दिया क्या ना इसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड नहीं हो पाएगा यस इफ द स्पेसिंग इज एक्चुअली वेरी लार्ज सो आई कैन डेफिनेटली राइट हेयर एस इंप्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड टू द बेलास्ट आपके बेलास्ट पे प्रॉपर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ऑल्सो इट कैन कॉज वॉट यहां आपके रेल की बकलिंग हो जाएगी देर कैन बी दकलिंग ऑफ रेल्स ऑब्वियसली यार आपका रेल्स जो है वो बकल करेगा यानी आपका रेल इस तरीके से डिविएट हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा गैप दे दिया ड्यू टू द बकलिंग ऑफ द रेल मैं ये बात कह सकता हूं कि आपके रनिंग एफिशिएंसी में बहुत इफेक्ट आएगा पक्का आएगा ट्रैक्शन आपको ज्यादा मिलेगी

ऑप्टिमम स्पेसिंग है कि इतने से इतने के बीच में ही जनरली रखी जाती है तो यह बात आपको याद रखनी है कि स्लीपर्स के बीच की जो स्पेसिंग है ना वो जनरली कितनी रखी जाती है इट एक्चुअली कीप इन द फॉर्मेट ऑफ तीस सेंटीमीटर मतलब एक्चुअली में पच्चीस से तीस सेंटीमीटर के बीच में वो रखी जाती है आपको यह बात याद रखनी है अब बात इंट स्लीपर डेंसिटी आपको ये तो समझ आई गया कि स्लीपर डेंसिटी क्या होती है एक रेल लेंथ में कितने स्लीपर आ रहे हैं आई कैन राइट इट एज टोटल टोटल नंबर ऑफ स्लीपर इन रेल एक रेल के अंदर कितने स्लीपर आ रहे हैं वो एक्चुअली स्लीपर डेंसिटी के नाम से विख्यात होगा कॉमन सेंस की बात है अब बात आती है कि ये रेल लेंथ कितनी कितनी होती है वो भी आप लोगों को याद रखनी है वेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रेल लेंथ तो जनरली जो स्पेसिफाइड है ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए ब्रॉडगेज एंड मीटर गेज के लिए ये जो रेल लेंथ स्पेसिफाइड है वो तेरह सेंटीमीटर है सॉरी तेरह मीटर समटाइम्स यू विल ऑब्जर्व कि ये एक्चुअल में बारह पॉइंट आठ मीटर होती है अब वो अप्रोक्सीमेटली तेरह लेते हैं नैरो गेज के लिए ये जो रेल लेंथ होती है ये बारह मीटर की होती है ये चीज आपको याद रखनी है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं अब जरा समझ के चलेंगे कि ये कैसे है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि स्लीपर डेंसिटी जो होता है वो रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है स्लीपर डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय एम प्लस एक्स अब एम जो है ना वो एक्चुअली रेल लेंथ आपकी एक रेल लेंथ जो है वो कितनी है एम है एक्स जो है वो एक वेरिएबल कंपोनेंट है अपन इसको फॉल फैक्टर भी कहते हैं एक्स को अपन फॉल फैक्टर भी कहते हैं वो एक वेरिएबल कंपोनेंट है जो कि एक्सल लोड पे डिपेंड करता है स्पीड पे डिपेंड करता है आप समझ कर चलना एक्सल लोड पे डिपेंड करेगा आपका यही एक्स आप लोगों का स्पीड पे डिपेंड करेगा यही एक्स आपका सेक्शन ऑफ द रेल पे डिपेंड करेगा कौन सा कैसा है मतलब क्रॉसिंग सेक्शन है या प्लेन सेक्शन है क्या है तो ये एक्स की वैल्यू कौन डिसाइड करता है ये बात आपको याद रखनी है इट इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय रेलवे बोर्ड इट इज डिसाइडेड बाय रेलवे बोर्ड ये आप लोगों का रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है ये चीज ना आपको समझ में आनी चाहिए क्लियर है भाई तो मेरी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोगों का ये जो एम प्लस एक्स है इस एम प्लस एक्स की ओरिजिनल वैल्यू जो जनरली अपने पास के लिए आती है भाई समीर राफिक बारा अपने जो बहुत ज्यादा यूज करने वाली वैल्यू है कि ये अपने रेलवे बोर्ड के थ्रू जो दिया गया है वो कितनी वैल्यू पे रखा जाता है M से मोस्टली मोस्टली हम हम ये करते हम ये यूज यूज करते करते हैं हैं अब इसका एक्चुअल मतलब समझ के चलोगी इसका मतलब क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एम प्लस एक्स वैल्यू सपोज आई एम सेंग एम प्लस फाइव है एग्जांपल दे रहा हूँ इस एम प्लस फाइव का मतलब क्या है कि फॉर ब्रॉडगेज की अगर मैं बात करता हूं तो मान लो तेरा मीटर लेकर चल रहा हूं ब्रॉडगेज है ना तो आपकी जो स्लीपर डेंसिटी है आपकी जो स्लीपर डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू थर्टीन प्लस फाइव यानी एटीन कहने का मतलब है कि एक रेल लेंथ के अंदर इन वन रेल लेंथ ऑफ तेरा मीटर वी यूज टोटल नंबर ऑफ स्लीपर कितने हो जाएंगे स्लीपर्स नंबर टू भी इक्वल टू एटीन यानी एक रेल लेंथ में आप अठारह स्लीपर यूज कर रहे हो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट सी बात है ये एक रेल लेंथ में ये एक रेल है तो ऐसे ऐसे करके आप अठारह स्लीपर यूज कर रहे हो दिस इज एटीन स्लीपर इसका मतलब आपके पास ये आता है अब और क्लियर करना यहां से माय डियर स्टूडेंट दैट क्वेश्चन आपको दूसरे फॉर्मेट में पूछता है अभी क्वेश्चन में आपको कहा कि मान लो तेरह सो किलोमीटर की रेस है तेरह सो एक पॉइंट तीन किलोमीटर का ट्रैक है आपको बोला गया जो आपका ट्रैक है वो टोटल एक पॉइंट तीन किलोमीटर का यूनिट टू टेल मी द नंबर ऑफ स्लीपर्स यू नीड टू टेल मी टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स इन दिस पर्टिकुलर रेल ट्रैक जहां पर डेंसिटी जो है वो कितनी है वेयर द डेंसिटी इज इक्वल टू एम प्लस फोर ये बोला गया तो एक पॉइंट सात कर लो इसको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं है एक पॉइंट सात किलोमीटर अभी हमारे पास जनरली तेरह मीटर होती है टोटल रेल लेंथ तो आई कैन डेफिनेटली राइट इट एज इट इज इक्वल टू वॉट टोटल स्लीपर्स कितने हो गए भाई आपके आपने कहा तेरह प्लस चार यानी सत्रह मीटर Okay. मैं अब मेरी बात को समझना आपको यह बोला गया कि तेरा मीटर के अंदर सॉरी आपको यह बोला गया कि तेरह मीटर के अंदर इन तेरह मीटर आपके टोटल सत्रह स्लीपर यूज होंगे एक्चुअल मतलब यही है और आपको पता है कि आपकी जो रेल है वो कितने की है आपकी रेल तेरह सौ मीटर की है आप मेरी बात को समझना आपकी जो रेल है वो तेरह सौ मीटर की है तो अगर तेरह मीटर में सत्रह स्लीपर यूज हो रही है तो क्या यूनिटरी मेथड निकाल के मैं सौ मीटर का नहीं निकाल सकता कॉमन है यार इसमें क्या दिक्कत है तो मैंने कहा डिफाइन करेंगे अपन की तेरह सौ मीटर में कितने स्लीपर यूज हो रहे हैं मैंने कहा टोटल तो आ गया आपके पास सत्रह इंटू तेरह सो मेथड लगा 1700 दूसरा चलिए एक बार क्या है और कैसे करना है एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से आ जाते हैं तो अपने को ना ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए क्लियर है एक बार ये कर देंगे तो दिस इज ऑल अबाउट द स्लीपर डेंसिटी किस तरह से निकाली जाती है कैसे काम आती है छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए ठीक है